बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7, टेक आउट योर कॉपीज। आज हमें नज़म गरीबों की हाजत रवा का आज हम खुलासा करेंगे बेटा। आर ऑल ऑफ यू रेडी बेटा? जिन बच्चों ने कल जो है वो काम मुकम्मल नहीं किया था बेटा, वो कर लीजिएगा आराम से। इसके अल्फाज में ही नहीं करने हैं आप लोगों ने, और दो इसके सवाल थे और दो अशार की तशरीहात कल हमने कर ली थी। अब आज हम इस नज़म का खुलासा कर रहे हैं बेटा। चले सवाल लिखिए पहले। नज़म का खुलासा तहरीर कीजिए। इसके बाद लीव वन लाइन, नज़म का उनवान लिखें, गरीबों के हाजत रवा हेडिंग दें, शायर का नाम। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बेटा नोट कर रहे होंगे, नज़म का उन्वान के बाद जो है वो टू डॉट्स आपने लगाने हैं, ठीक है? नज़म का उन्वान, टू डॉट्स, आगे उसके लिखें नज़म का नाम, गरीबों की हाजत रवा, और उसके बाद शायर का नाम लिखें, फिर टू डॉट्स हैं और उसके सामने लिखें मौलाना माहिरुल कादरी। देन अगेन लीव वन लाइन, फिर से एक लाइन छोड़िए, और ख़ुलासा की हेडिंग जब आप देंगे तो उसमें टू डॉट्स और एक डैश लगाइए, और उसके नीचे से आपने खुलासा लिखना है। बेटा आप लोग तैयार होंगे, अब मैं शुरू करवा रही हूँ डिक्टेट, ठीक है? खुलासा लिखना आप लोग बेटा शुरू कीजिए। ये नात मशहूर शायर मौलाना माहिरुल कादरी ने तहरीर की है खत्मा, जैन बेटा, जैन आप बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए, और यहाँ पे एक बेटा अटेंडेंस मुझे लेनी होती है आप लोगों की, तो आई डोंट नो अपने नाम जो है वो, अपने नाम के साथ बेटा आप लोग प्लीज़ आइए। जैन हैदर अब्बास मोमिन, जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ बेटा आप लोग तब तक जल्दी से, जितना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना आपको, तो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये इब्राहिम शफीक आमना आप होंगी। मोमिन फातिमा कुदूस, बेटा ये एक जो है बच्चा है, मुझे आई डोंट नो हु इज ही और शी, काइंडली बेटा अपना नाम बताइए। आमना मुर्तजा, आमना गफूर, ये जो मीटिंग पासकोड है ये गलत है। इंतिसाल उमर, टीचर उमर नवाज, चलिए जी सबके अटेंडेंस मैंने ले लिया, आप लोगों के नेम्स मैंने नोट डाउन कर लिए अपने पास।
अब कोई एक स्टूडेंट है बेटा जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप मुझे अपना नाम बता दीजिएगा बेटा ताकि आपका भी नाम मैं नोट कर लूं। हाँ जी बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? चले खुलासा शुरू करते हैं अब हम लोग। ये नात मशहूर शायर मौलाना माहिरुल कादरी ने तहरीर की है खत्मा। इसमें उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान किए हैं। औसाफ जो है वो वस्फ की जमा है, वस्फ कहते हैं खूबी को, ठीक है क्लास सेवेंथ। और हमीदा का मतलब है बहुत बेहतरीन, यानी इसमें उन्होंने हमारे प्यारे नबी की बेहतरीन खूबियों को बयान किया है। खत्मा, तमाम नबियों में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मुंतखिब किया और दीन इस्लाम को कामिल कर दिया। खत्मा, कुव्वत और भाईचारे के जरिए अमीरों को गरीबों की हाजत रवाई करने का दर्स दिया। खत्मा, दर्स कहते हैं सबक देने को, ठीक है। और हाजत रवाई करना यानी हाजत किसे कहते हैं? जरूरत को कहते हैं, ठीक है। हाजत रवाई करने का मतलब है जरूरत को पूरी करना। हाजत रवाई करने का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी थी कि बादशाह हो या फकीर, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फखर महसूस करते। जैन बेटा, आपको आप साथ साथ लिख रहे हैं मेरे? क्लास सेवन बेटा, कोई पीछे तो नहीं रह गया आप लोगों में से? गुण गाते, आप सल्लम की खिदमत में फख्र महसूस करते। खत्मा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जमाना जाहिलियत में डूबा हुआ था। खत्मा,
आप सलम की आमद ऐसी ही थी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसी ही थी गोया सूखे हुए खेतों पर समझ नहीं आ रही है बहुत ज्यादा तेज रहमत की बारिश बरस गई हो हुसैन बेटा आप अभी आए हैं अब आप देख लें बेटा मैंने खुलासा लिखवाया है अब आप इससे आगे वाला काम जो है ना वो पहले कंटिन्यू कर लीजिएगा ठीक है खुलासा और बाकी काम जो है वो आप बाद में कर लीजिएगा बेटा चलिए बेटा आखिरी जुमला लिखे इसका गर्स के एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके जिस्मो जान का हिस्सा ना बन जाए यहाँ पे नून है वाला ना आएगा ठीक है ना बन जाए वर्ष के एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक कामिल कामिल कहते हैं मुकम्मल को ठीक है मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके ईमान सॉरी उसके जिस्मो जान का हिस्सा ना बन जाए बेटा इस खुलासे के साथ ही जो है वो हमारा नज़म का जो था काम वो कंप्लीट हो गया है अब देखिए मैंने तो नीचे से ही स्टार्ट कर दिया बेटा लेकिन आप लोगों को न्यू पेज रेडी करना होगा आज की डेट एंड डे लिखें उस पर 26 मई 2021 डेट लिखें जमात का काम लिखिए और बल्कि इसमें घर का काम की हेडिंग दे दें आप लोग घर का काम लिखिए और बुध का दिन जो है वो अपने मैंशन कीजिए अपने पेज पर और महोरात की हेडिंग दे दें सवाल लिख लें ये बेटा आपका होमवर्क है क्लास सेवन इसको हम मैं भी समझा देती हूँ डिस्कस हम अभी क्लास में कर लेते हैं इसको लेकिन ये आपने करके घर से आने हैं ठीक है मैं महावरात यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे इनके जुमले आपने घर पे बेटा ख़ुद बनाने हैं और काइंडली दिस वर्क शुड बी डन ऑन न्यू पेज ठीक है डोंट कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज खुलासे वाले पेज के आगे से आपने नहीं लिखना बेटा इसे इससे आपने न्यू पेज पे लिखना है जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा महोरात फिर आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है साथ उसके जुमले की हेडिंग दें पहला महावरा है उल्टी पट्टी पढ़ाना चलिए अब आप में से जल्दी से आप लोग बेटा पार्टिसिपेट कीजिए मुझे बताएं कोई इसका मीनिंग बताएगा आप लोगों में से उल्टी पट्टी पढ़ाना क्या मतलब होगा इसका जी हैदर अब्बास मोमिन बताएं बेटा उल्टी पट्टी पढ़ाना क्या मतलब होगा इसका जो गलत के गलत उल्टे बात बताना हैदर अब्बास टर्न ऑन योर कैमरा मोमिन हैदर अब्बास बेटा आप लोग बार बार हर क्लास में बेटा आपको बताया जाता है हुसैन कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना उमर उमर नवाज उमर नूर शमसी सॉरी जैन चलिए मैं बता दूं फिर आप लोगों को बेटा मतलब इसका
चले मतलब मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग जुमला खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उल्टी पट्टी पढ़ाने का क्या मतलब होगा? किसी को गलत मशवरा देना, ठीक है। क्लास सेवन, किसी को गलत मशवरा देना। चलो इसका कोई जुमला बताएंगे अब आप लोगों में से? बता क्या जुमला बन सकता है इसका? नंबर टू है कानों कान खबर ना होना। पहले अल्फाज के महावरात जो है वो लिख लें, नोट कर लें, उसकी मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग सुन लें और फिर जुमले इसकी एंड ऑफ द क्लास हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। कानों कान खबर ना होने का क्या मतलब है? बहुत खामोशी से कोई काम कर लेना, चुपके से किसी को पता ना चले और आपने वो काम कर लिया, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना क्या मतलब होगा इसका? सब्ज बाग दिखाने का मतलब है किसी को जो है वो ख्वाब दिखाना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। अमूमन ये इस्तेमाल होता है सियासतदानों के साथ, ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि सियासतदान हमेशा आवाम को सब्ज बाग दिखाकर जो है वो वोट हासिल कर लेते हैं, या कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बाल बाल बचने का क्या मतलब होगा? किसी मुश्किल में आते आते बच जाना। हाथ फैलाना मांगना, ठीक है, किसी के आगे हाथ फैलाना। आस्तीन का सांप से क्या मतलब है? आस्तीन का सांप से मुराद है आपका कोई करीबी अजीज हो, करीबी दोस्त हो, लेकिन वो बज़ाहिर तो आपका दोस्त हो लेकिन दरअसल वो आपका आपके साथ मुखलिस ना हो, और मौका मिलते ही आपको जो है वो धोखा दे दे, या मौका मिलते ही आपको जो है वो नुकसान पहुंचा दे, तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। आप होने का क्या मतलब होगा? शर्मिंदा होना, ठीक है। आसमान सर पर उठाना, बहुत ज्यादा शोर मचाना, वावेला करना, ठीक है। छोटी सी कोई चोट लग जाए और आप शोर मचाकर आसमान सर पर आपने उठा लिया। ये आठ महावरात हैं, इनके जुमले आप लोगों ने बेटा बनाने हैं घर से। मीनिंग मैंने सबके बता दिए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल है, अभी एंड ऑफ द क्लास टाइम होगा इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को एक एक हम मिसाल के तौर पर एक जुमला हम बना भी लेंगे क्लास में, लेकिन फिलहाल हमें नेक्स्ट काम करना है, पहले वो जल्दी से मुकम्मल कर लें। कोई सवाल नहीं है बेटा किसी को भी यहाँ तक? सब समझ आ गया? चले अब दोबारा से न्यू पेज आपने रेडी करना है। बेटा न्यू पेज रेडी करें, आज की डेट एंड डे दरखास्त है वैसी। जी मोमेंट वेट, चलिए बेटा आप लोगों ने दरख्वास्त समिति की हेडिंग देनी है। Moment, you want to ask something, I think. बेटा आप पूछिए, बेटा क्या पूछना है आपको? मोमेंट जी बेटा,
नीचे जुमले में थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अमित आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। जी बेटा मोमिन अब पूछे बेटा, आपकी आवाज अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जुम्मे हैं इनको बस थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर दे, मैंने देख। जी जी मैं कर देती हूँ। शुरू से आपको देखते हैं बेटा, जस्ट अ मिनट। ये देखिए नंबर वन था उल्टी पट्टी पढ़ाना, जिसका मतलब है किसी को गलत मशवरा देना, ठीक है। फिर नंबर टू था कानों कान खबर ना होना, इसका मतलब है कोई काम बहुत खामोशी से चुपके से कोई काम कर लेना, ठीक है। फिर है सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब है किसी को धोखा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाना, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना किसी को अपने फरेब में जो है वो लाने के लिए। नंबर फोर है बाल बाल बचना, इसका क्या मतलब है कि किसी हादसे से आप बाल बाल बच जाएं, किसी मुश्किल में आने से आप बच जाएं। हाथ फैलाने का मतलब है किसी से मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना। आस्तीन का सांप, आपका कोई करीबी अजीज दोस्त हो और मौका मिलने पर वो आपका बज़ाहिर तो अजीज दोस्त हो लेकिन दरअसल वो आपके साथ मुखलिस ना हो, और जैसे ही उसको मौका मिले वो अपने जो है वो आपको नुकसान पहुँचाने से वो पीछे ना हटे। आप होने का मतलब है शर्मिंदा होना। और लास्ट है आसमान सर पर उठाना, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा शोर मचाना, छोटी सी तकलीफ के आने पे आप जब बहुत ज्यादा मावेला कर लेते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं, रोना धोना मचा देते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आपने बेटा न्यू पेज अपना तैयार करना है, एक दरख्वास्त हम आज लिखेंगे। दरख्वास्त नवेसी की हेडिंग दे, डेट एंड डे जमात का काम, दरख्वास्त नवेसी की हेडिंग देकर आप लोगों ने लिखना है। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने पेज के जो है वो दरमियान में आपने लिखना है बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, जी बेटा बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब कॉमा एपेक्स ग्रामर स्कूल कॉमा लाहौर और फिर खत्म, ठीक है। देन लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर आपने उनवान की हेडिंग देनी है। उनवान के सामने आपने टू डॉट्स लगाने हैं और ब्रैकेट में जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल वैसे ही बेटा आपने लिखना है दरख्वास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए। दरख्वास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए, फिर अगेन लीव वन लाइन और दरमियान में आपने लिखना है जनाबे आली। ठीक है जनाबे आली दरमियान में एक लाइन छोड़ के लिखे, देन अगेन लीव वन लाइन। और अब आप लोग देख रहे होंगे अपने पेज के आपने बेटा 3-4 फिंगर स्पेस आपने छोड़ के जनाबे आली के बिल्कुल नीचे से आपने नहीं लिखना बल्कि उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे से आपने शुरू करना है। मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम की तालिबा हूँ। जो बॉयज हैं, बॉयज क्या लिखेंगे, जमात हफ्तम जमात का तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। और गर्ल्स वही लिखेंगी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
चलिए बेटा, मोहतरमाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में हफ्तम जमात की तालिबा हूँ या हफ्तम जमात का तालिब इल्म हूँ? मेरी आपसे गुजारिश है कि अब गर्मी का मौसम आ गया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और हमारे स्कूल में जो पानी का कूलर लगा हुआ है उसमें कुछ खराबियां हो गई हैं जिसकी वजह से हमें पीने के लिए साफ और ठंडा पानी मयस्सर नहीं है। खत्मा। बेटा आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? यस। चलें अब देखें, जिसकी वजह से हमें पीने के लिए साफ और ठंडा पानी मयस्सर नहीं है, इसके बाद खत्मा लगा के अब जहां से आपने मौदबाना शुरू किया था ना बेटा, बिल्कुल वहीं से आपने नेक्स्ट लाइन जो है आपने लिखनी है। मेहरबानी फरमाकर हमारे स्कूल में, मेहरबानी फरमाकर हमारे स्कूल में पानी का नया कूलर लगवा दीजिए, पानी का नया कूलर लगवा दीजिए। खत्मा। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। फिर से खत्मा। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। खत्मा। अब उस जहां पे आपका ये आएगा ना, हम आपके शुक्रगुजार होंगे, उसको वहीं पे छोड़ के आपने न्यू लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आपने जो है वो ये काम करना है। ऐन नवाजिश होगी। आपने पेन से लिखना है बेटा। आप लोग को यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, आपको नजर आ रहा होगा, जो चीजें आपने मार्कर्स लिखनी है, जो मैंने मार्कर्स लिखा है वो आपने भी मार्कर से ही लिखना है, क्लास सेवन। ठीक है, मैं एक दफा फिर आपको ऊपर बता देती हूँ करके। ये देखिए, दरखास्त नवेसी की हेडिंग जो है ये मार्कर से है। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, एपेक्स ग्रामर स्कूल, कॉमास है दो जगहों पे और लाहौर के बाद खत्म है, ये भी मार्कर से है। उनवान हेडिंग मार्कर से है। ठीक है, हेडिंग आपने उनवान की मार्कर से लिखकर टू डॉट्स और फिर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ आपने पेन से लिखना है। दरखास्त बराए ठंडे पानी के कूलर के लिए। लीव वन लाइन जनाब आली भी मार्कर से है, फजाइया निशान है, और उसके बाद जो है वो सारा कुछ आपने पेन से लिखना है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे पेन से पूरा लिख लिख के, अब आपने ऐन नवाजिश होगी तक सारा पेन से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर आपने मार्कर बेटा यूज करना है। दरख्वास्त गुजार, उसके नीचे नाम है, नाम लिखकर आपने टू डॉट्स लगाने हैं और टू डॉट्स के बाद सामने लिखना है अलिफ बे और जीम। आपने अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, नाम लिखने की बजाय आप अलिफ बे जीम लिखेंगे। हैदर अब्बास बेटा पे अटेंशन है। इसके बाद रोल नंबर लिखें, रोल नंबर लिखने के बाद अगेन आपने टू डॉट्स लगाने हैं, फिर 1 2 3। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल इसी तरीके कार्ड से आपने, मार्कर से आपने भी बेटा लिखना है। जमात, फिर टू डॉट्स, हमजा छोटी और बड़ी, और दरख्वास्त गुजार के बिल्कुल सामने ये सब चीजें आपने लेफ्ट हैंड पे लिखी हैं और तारीख जो है वो आपने राइट हैंड पे लिखनी है। जो डेट मैंने लिखी है उसको इग्नोर कर दें, आपने आज की डेट डालनी है बेटा इस पे। ठीक है, 26 मई 2021। दरख्वास्त हो गई होगी, उम्मीद है आप लोगों का बेटा यहां तक का काम कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए अब हम लोग जो है, अगर दरख्वास्त आपकी हो गई है तो हम महोरात पे आ जाते हैं जल्दी से। कोशिश करें सब बच्चे एक एक जुमले बेटा मुझे बनाकर अभी क्लास में दें, तो इस तरह से आपका समझ लें होमवर्क भी आपका यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दरख्वास्त नोट डाउन कर ली होगी अब आप लोगों ने। ठीक है,
ठीक है, मैं दोबारा से जो है वो महावरात पे आ रही हूँ। चलिए जी, पहला हमारा था उल्टी पट्टी पढ़ाना, कौन बताएगा जल्दी से? यहाँ पे आप तीन बच्चों का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बेटा मिसाल बताती हूँ, अली हमेशा असलम और यासिर को एक दूसरे के खिलाफ उल्टी पट्टी पढ़ाता रहता है। ठीक है, ये अब आप में से कोई बनाएगा जुमला? मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया है, इसलिए एंड है। अब आप टाइम बहुत कम है बेटा, जल्दी से आप लोग पार्टिसिपेट करें। उल्टी पट्टी पढ़ाने के बाद है कानो कान खबर ना होना। चलिए, कौन बनाएगा इसका जुमला? हैदर अब्बास बनाइए जल्दी से बेटा। फातिमा को दूर, सामना मुर्तजा, इम्तिसाल हुसैन, कानों कान खबर ना होने का मतलब है कोई काम बहुत चुपके से कर लेना, कोई गलती हो जाए तो फिर आप किसी को नहीं बताते ना। जैसे अब जैसे एक मिसाल के तौर पर जुमला है कि किसी का भी आप यहाँ पे नाम लिख लें, आलिया ने ग्लास तोड़ने के बाद किसी को कानों कान खबर ना होने दी। इसके बाद है सब्ज बाग दिखाना, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। सियासतदान हमेशा आवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट ले लेते हैं। फिर है बाल बाल बचना, टीचर जी बेटा बोले जी जैन जो हमें सिर्फ हमें सिर्फ 500 हो रहे हैं, आपने कहा था 8 है। कैसे बेटा, मैंने आपको पूरी 8 बताए हैं, देख लें आप। जैन आपने उल्टी पट्टी पढ़ाना लिखा, कानों कान खबर ना होना, सब्ज बाग दिखाना, बाल बाल बचना, ठीक है, हाथ फैलाना, इसके बाद है आस्तीन का सांप, आवाब होना और आसमान सर पर उठाना। ठीक है, जल्दी बताएं। चले बेटा, बाल बाल बचना, आज अली अब्बा के हाथों मार खाने से बाल बाल बचा। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्लास 7। हाथ फैलाना, हमें सिर्फ अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाने चाहिए। आस्तीन का सांप, वकास अहमद के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। आप होना, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर रबिया अपनी गलती, सबके सामने झूठ पकड़े जाने पर रबिया आप हो गई, ये भी हो सकता है इसका। आसमान सर पर उठाना, मामूली सी चोट लगने पर डैश ने आसमान सर पर उठा लिया। किसी के भी यहाँ पे आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक जुमला मैंने आप लोगों को बना दिया है मिसाल के तौर पर, बाकी अब आप लोग इससे हटके खुद बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है आज का।